हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आंचल। सो आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है ये श्रद्धा कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इट टू द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है। इट हैज़ अ वेरी नाइस वॉन्ड। इसका वॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी आईज पे आईब्रो शेपिंग के लिए मुझे ये बेस्ट लगता है कंसीलर। आपको अलग से ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे से अच्छे से ब्लेंड भी होता है कंसीलर। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा कंसीलर है ये। सो यहाँ पे अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे हम। आप अगर अपने फिंगर से पहले अच्छे से ब्लेंड करते हो तो कलर हर जगह आपका डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बाद अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो। जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट होता है ब्यूटी ब्लेंडर से वो एकदम से हट जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंसील करने के बाद पाउडर से उसको सेट करना होता है। देन आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक आई शेडो। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपनी आईज पे। आप पर्पल आई शेडो ले सकते हो, लाइट पिंक ले सकते हो, डार्क। अच्छे से आप कोई भी पिंक आई शेडो लो, बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड हो। सो मैं यहाँ पे कॉर्नर वी तक लेके जा रही हूँ इसको पूरा, और पूरा ऊपर तक लेके जा रही हूँ, लाइक आई ब्रोज तक लेके जा रही हूँ उसको। आपको इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना कि मेरा यहाँ से अगर ख़राब हो रहा है या वहाँ से ख़राब हो रहा है, बाद में वो ठीक हो जाता है। बट अगर आप अपने डिफरेंट लुक्स ट्राई करोगे बट आप खुद ही आपको इतना अच्छा लगने लगेगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से, एंड अलग अलग लुक्स ट्राई करके देखो। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले होते हैं। हमको पहले लगता है कि बहुत ज़्यादा बेकार लगेंगे, ओवर लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप करने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेस देते हैं। सो अच्छे से पिंक आई शेडो को मैं यहाँ पे पहले क्रीज लाइन पे अपनी अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। अगर आप क्रीज लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, ऑलरेडी वो कॉर्नर वी तक पहुँचते पहुँचते आपको एक शेप क्रिएट करके दे देगी। सो यहाँ पे इसी तरीके से आपको ब्लेंड करना है अच्छे से अपने पिंक आई शेडो को। यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर से अच्छे से पिंक कलर को डिपॉजिट किया, बिकॉज मुझे पिगमेंटेशन थोड़ी सी कम लगी। उसके बाद मैंने सेम ये फ्लैट ब्रश लिया है यहाँ पे, आई शेडो ब्लश, फ्लैट आई शेडो ब्रश, जिसमें मैं अपनी बॉटल लाइन को अच्छे से फिल करूँगी। एंड मैंने जो कलर ऊपर यूज़ करा है सेम कलर मैंने अपनी बॉटल लाइन के लिए यूज़ करा है यहाँ पे। आप उसको बहुत ज़्यादा पेशेंस से लगाओ, बहुत आराम से लगाओ। अगर थोड़ा सा भी नीचे फॉल आउट होता तो ऑटोमेटिकली आप क्लीन कर लोगे। सो बस फोकस ऑन योर पिगमेंटेशन एंड कॉर्नर वी। सो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक एंगुलर ब्रश, जिसमें मैंने ब्लैक कलर लिया है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लिया है मैंने। आपको एकदम स्क्रैच नहीं करना, बहुत ज़्यादा आराम से लेना है। देन यहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी वाटर लाइन से अटैच होकर ये ब्लैक कलर लगाऊंगी। आपको बिल्कुल चिपका के लगाना है उसको, बिल्कुल अलग नहीं लगाना। आपको आप काजल भी यूज़ कर सकते हो अपनी आई लैशेज पर। देन यहाँ पर मैं ले ली मेबेलिन का मस्कारा। अच्छे से आपको मस्कारा कोट करना है बहुत ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई फॉल्सीज नहीं वेयर करनी। सो मेक श्योर कि आप मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर लो और अच्छे से कोट कर लो। स्किन को इवन करने के लिए यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने ऑरेंज करेक्टर को ब्लेंड करेंगे। अगर इफ़ यू आर अ टीनेजर और आप ऑरेंज करेक्टर नहीं यूज़ करते हो और आप नए नए यूज़ करने लगे हो, सो फिंगर टिप पे लेके अपनी पाम पे हल्का सा उसको वार्म करो, उसके बाद अप्लाई करो। देन यहाँ पे मैंने ये ओलिविया की पैन स्टिक ली है। इट्स वेरी रीजनेबल, वेरी अफोर्डेबल। ये 100 रुपीज़ की पैन स्टिक है, बट ये थोड़ा सा आपको ड्राई आउट करेगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लो, मॉइस्चराइज कर लो। देन यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का सेम कंसीलर लिया है टू हाईलाइट माई हाईलाइटिंग पॉइंट्स, हाईलाइटिंग एरियाज। यहाँ पर मैंने रोज वाटर स्प्रे करा। आप कोई भी अपना टोनर स्प्रे कर सकते हो, उसके बाद भी इसको अच्छे से ब्लेंड करना, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं फिर एक पे एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो
अच्छे से, थोड़ा सा पैचिनेस कहीं ना कहीं दिख ही जाता है अगर आप रोज़ वाटर स्प्रे करते हो या मेकअप फिक्सर स्प्रे करते हुए जाते हो, तो ये थोड़ा सा ना आपको थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर देगी। देन यहाँ पे कंटोरिंग करेंगे हम। मैंने यहाँ पे क्रीम कंटोरिंग यूज़ करी है, आप पाउडर कंटोरिंग भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ वाले चीक पे थोड़ा सा कंटोरिंग जो है अपने नीचे अप्लाई कर लिया था, थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी मेरी कंटोरिंग गलत हो गई थी। अगर आपको ऐसा कभी आपके साथ हो जाए तो मेक श्योर आप अपने कंसीलर को अच्छे से अप्लाई कर लो, हाईलाइटिंग कंसीलर को, तो आपकी कंटोरिंग शार्प भी दिखेगी और जो आपकी जो आपने मिस्टेक करी होगी वो करेक्ट भी हो जाएगी। टेक दिस स्विस ब्यूटी की ऑल अबाउट लिप्स पैलेट, इसमें से मैंने ये पिंक शेड लेके अपने लिप्स पर और एज अ ब्लश अप्लाई कर लिया। सो मेक श्योर कि आप अगर आप लिपस्टिक एज अ ब्लश यूज़ करते हो तो उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, बिकॉज वो पैचिनेस आपको दे सकती है। एंड मेक श्योर कि आप कोई लाइट सा या न्यूड सा उसके ऊपर पाउडरिंग वाला ब्लश, थोड़ा सा पाउडर ब्लश यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। देन मैं यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी। मेकअप फिक्सर करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रोज को कलर दिया है। सो मैंने यहाँ पे ये आईलाइनर ब्रश लिया था अपनी आईब्रोज के लिए। मैंने सेम आई शेडो पैलेट में से लाइट ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके यहाँ पे ये यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैं स्पूनी से अच्छे से अपने आई शेडो को ब्लेंड करूँगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।